हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब भी करनाल आते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए सौगात लाते हैं। इस बार भी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के काछवा गांव, पुंडरक और ढाबरी गांव को सौगात दी है। यहाँ के लोगों की काफी लंबे समय से मांग थी कि इनके गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, लेकिन आज काछवा गांव से मुख्यमंत्री ने तीनों गांवों के सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया। काछवा में जो सामुदायिक केंद्र बना है उस पर 1,33,00,000 की लागत आई है और इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण पंचायत विभाग के माध्यम से करवाया गया है। इस केंद्र के निर्माण से गांव के लोगों को विवाह समारोह, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में सुविधा मिलेगी। वहीं पुंडरक गांव के लोग भी अब आसानी से सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह करवा रहे हैं। पुंडरक गांव में जो सामुदायिक केंद्र बना है उसकी लागत 1,19,00,000 रुपए आई है। इस भवन का कवर एरिया 8,000 वर्ग फुट है। वहीं डबरी गांव में सिख सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन करके भी सीएम ने वहां के लोगों को सौगात दी है। इस भवन पर तकरीबन 99,58,000 रुपए खर्च किए गए हैं। बहरहाल इन गांवों को सामुदायिक भवन मिलने से यहाँ के लोगों को काफी राहत मिलेगी और लोग इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें मालूम था कि जितनी बेहतर बच्चों को शिक्षा मिलेगी उतना बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, इसलिए हमने सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार हर विधानसभा में प्रति वर्ष विकास कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपए देगी। इस राशि में से गांव के लोगों को सरपंच की अध्यक्षता में योजना बनानी होगी कि कौन से काम को कैसे करना है और किसको प्राथमिकता देनी है। अब गांव का विकास पंचायत करेगी और शहरों का विकास नगर निगम व नगर पालिका के पार्षद व चेयरमैन करेंगे। शहरों और गांव की सरकार खुद चुने हुए प्रतिनिधि का ग्रामीण व शहर के आम नागरिक के सहयोग से चलानी होगी, तभी विकास को गति मिलेगी। देखिए एक रिपोर्ट। यहां के सामुदायिक केंद्र का ये तैयार होके यानी था तो इसका उद्घाटन आज किया है। इसी साथ साथ दो और गाँव में पुंडरक और डबरी वहाँ के भी सामुदायिक केंद्र उनका उद्घाटन किया है। तीनों गांव के अंदर सामुदायिक केंद्र की व्यवस्था हुई है, यहाँ के लोगों का इसका लाभ होगा। और साथ ही जैसा मैंने यहाँ बताया कि बजट हमारा परसों के दिन हमने उसको प्लेस किया है और उसको अब 3 दिन और लगेंगे पास करने में। इस बार विशेष व्यवस्था ये है कि जो हमारा जो पैसा ग्रामीण क्षेत्र का अथवा शहरी स्थानीय निकायों को जाने वाला पैसा है वो हम सीधा इन लोगों को देंगे ताकि ये अपने अपने बजट बना सकें, वर्ष भर की योजना इनके अपने हाथ में आ सके। ऑन एवरेज विधानसभा में वहाँ की आबादी के हिसाब से 80 करोड़ के आसपास ये पैसा सब वर्ष में सब विधानसभाओं को मिलेगा। आबादी के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके हिसाब से जो विकास के काम हैं लोकल लेवल के वो सब वो कराएंगे। विभाग अपने अपने काम का बजट वो अलग से यहाँ भेजेंगे। तो इतनी जानकारी मैंने आपको दी। मुख्यमंत्री जी आपने कहा मिल में सर किसान मजदूर कैंटीन शुरू की गई थी 10 रुपए में खाना, लेकिन सर कोई अगर बाहर का मजदूर भी उसमें अगर खाना खाता तो उसे 25 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं और कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और जब संस्था के लोगों से बात की जो वहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो कह रहे हैं MD साहब के आदेश है। नहीं, मैं इसको देखूंगा, नहीं होना चाहिए। वो मजदूर के लिए, किसान के लिए, सबके लिए है तो सभी उसमें 10 रुपए के हिसाब से। ये बात थी अगर वहाँ के बाहर के फार्मर्स आते हैं, मतलब शुगर मिल के जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं वो तो 10 रुपए में है, बाहर के जैसे क्योंकि वो बिल्कुल रोड पे है तो कई बार आते जाते लोग ले लेते हैं, कोई बात, ये बात आई थी तो सबका 10 रुपए सबका 10 रुपए करें, सबका 10 रुपए होगा। सर एक जो सड़कें बनाई गई हैं सर एक एक महीने के अंदर टूट गई। आप फिर से गाँव में गए तो उस दिन काछवा वाली सड़क शाहपुर वाली बनी थी वो भी टूट गई। ज्यादातर जितनी भी PWD ने सड़कें बनाई है सर मटेरियलों में कहीं ना कहीं घोटाला है सर, इसकी जांच करवाइए। देखिए वैसे तो ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है इसका और उस डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में जो जिम्मेवार है ठेकेदार उसी को उसका सारा कुछ ठीक करना होता है। फिर भी अगर समय से पहले टूटी है तो उसकी जरा डीसी साहब इसका चेक करें और जो भी कोई इसमें मटेरियल उसका अगर लगाया गया है घटिया लगाया है या कोई इसमें नॉर्म्स में कोई स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई गड़बड़ की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अहम प्रोजेक्ट जो पश्चिमी बाईपास बनाया गया था सर, आज जहां रेलवे की लाइन है वहां पर नीचे से सरिया बाहर निकल चुका है, बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। हमने अधिकारियों को 2-3 बार अवगत करा दिया है लेकिन वो एक्सीडेंट का कारण डेली बन रहा है सर, वो मैं चेक कर रहा हूं। चेक कराइए उसको। आपने कहा भी पंचायतों को अपने बजट के लिए कहा गया, क्या सर किस हिसाब से वो बनाएंगे अपना? देखिए उसमें पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लान का जो पैसा होता है वो भी उसमें आता है और HRDF का भी पैसा उनको मिलेगा। ये सारे पैसे का वर्ष में एक अनुमान उनका होता है कि कितना पैसा उनको आबादी के हिसाब से पैसे आते हैं, वो अनुमान उनको सब हो जाता है कि पिछले साल जितना मिला था या इस बार कैलकुलेशन के हिसाब से कितना मिलेगा।
वो साल भर में कितना पैसा मिलेगा उसकी प्लानिंग वो बना करके और उस वेबसाइट के ऊपर पोर्टल के ऊपर डालेंगे, ई पंचायत हो जाएगी, तो ई पंचायत के हिसाब से उनके सारे काम अपने वो करवा सकते। सर, गांव काछवा में लाइटें चोरी, 200 लाइट चोरी होने का मामला विजिलेंस विभाग को दिया गया है, मालूम मुझे, और वो विजिलेंस उसके ऊपर यानी जांच कर रही है और जो भी उसमें दोषी होगा उसको पकड़ा। आ गए हैं सब लोग और बसें उनकी अब शुरू होने वाली हैं, बहुत सी बसें जो जो साथ साथ आ रही हैं उनको डिफरेंट रूट से ऊपर। हाँ जी, 26 रुपए। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।